हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो चौबीस सितंबर दो हजार इक्कीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बॉर्न चैलेंज बॉर्न चैलेंज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं अब पहला

कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान तो आपको बताना इनमें से कौन सी कंट्री नहीं टच करती सी को तो दीज आर दी ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर थ्री इज विद रेफरेंस टू लीफ कोलिएशन लीफ कोलिएशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है टू मोबिलाइज एटलीस्ट वन बिलियन डॉलर फॉर फाइनेंसिंग कंट्रीज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग देयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस इनिशिएटिव इज वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ द टू पेरिस एग्रीमेंट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑनली बोथ या नन सो ये तीन सवाल थे आज के आप पहले इनको अटेम्प्ट कर लीजिए अटेम्प जरूर करना देखो अटैम्प्ट जरूर करना एग्जाम आने वाला है सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं अगले साल भी एग्जाम होगा उसके लिए भी हर एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना एंड यू यू हैव हैव टू टू प्रिपेयर बाय दिस दिस लाइक ओनली कीप अटेम्प्टिंग द आंसर्स मैं आपको बता देता हूं एक एक करके पहला सवाल जो है कि बॉन्ड चैलेंज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है क्यों क्योंकि आई का स्टेटस ये का प्रोग्राम है ना कि इसका तो ये पहला गलत है दूसरा भी गलत है क्योंकि एक्चुअली में जो बॉर्न चैलेंज है ना दैट इज़ फॉर प्लांटिंग ऑफ द फॉरेस्ट तो अगर मैं आपको दिखाऊं बॉर्न चैलेंज बेसिकली आई ने 2011 में स्टार्ट किया था एंड इट एम्स टू री स्टोर वन मिलियन हैक्टेयर्स ऑफ वर्ड डिग्रेडेड एंड डीफॉरस्टेड लैंड तो वन मिलियन हैक्टेयर्स ऑफ डीफॉरस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड जो है उसको दो तक एंड थ्री मिलियन हैक्टेयर्स बाई ट्वेंटी ये बेसिकली इसका एम है कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको बेसिकली कहना है ठीक है ना दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर बॉन्ड चैलेंज उसके रिगार्डिंग है ये आपको याद रखना है दैट दैट यू शुड रिमेंबर नाउ सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे कि इनमें से कौन सी कंट्री कैस्पियन सी को नहीं करती है तो कैस्पियन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि के आर ए टी आई जो ट्रिक है याद रखने की वो यही है के आर ए टी आई जिसमें कि के आपका कजाकिस्तान है आर आपका रशिया है ए आपका अजरबैजान है टी आपका टर्की है एंड आई आपका ईरान है तो ये कंट्रीज हैं जो कि टच करते हैं तो इसमें आर्मेनिया आपको देख रहा होगा कि नहीं टच करती ए विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर थ्री है लीफ कोलियुशन के रिगार्डिंग लीफ कोलियेशन के लिए पहला स्टेटमेंट तो सही है कि एक बिलियन डॉलर का फंड मोबिलाइज करना है फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिल्कुल सही है लीफ लीफ इनिशिएटिव बिल्कुल ये है दूसरा जरूर गलत है ये दो के एग्रीमेंट का आउटकम नहीं

किस तरीके से हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करना है इस आंसर में तो डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या है व्हाट इज दिस डिसीज सर्विलेंस एंड वाई इंडिया नीड्स अ डिसीज सर्विलेंस हमको क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम डिसीज सर्विलेंस रख रहे हैं या फिर उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इज द नीड फॉर दैट दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दिस ठीक है ना तो इसका आंसर करने की कोशिश करेगा आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं अब न्यूज एनालिसिस में जो आई है उसने भी लेटेस्ट एडिशन अपना रेड लिस्ट ऑफ थर्टेन्ड स्पीशीज का निकाला है उसमें बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जिनके लिए उन्होंने लिखा है इट दे दीज स्पीशीज कैन बिकम पॉसिबली एक्सटिंक्शन और इनमें से कुछ स्पीशीज ऐसे जो इंडिया के भी हैं तो उनमें से हम बात कर लेते हैं दे कोकोनट क्रैब पहला जो स्पीशीज जिसका नाम आया था वो है कोकोनट क्रैब जिसको पॉसिबली एक्सटिंक्शन लिखा है तो कोकोनट क्रैब इज द ल

बार तो दिस इज स्पिशीज इन फाउंड इन द कावेरी रिवर सिस्टम सेकेंड देखो फिशज दैट डिक्लेयर पॉसिबली एक्सटिंग इंक्लूड द देवलाली मिन्नो तो एक और फिश की स्पिशीज है जिसको हम बोलते हैं देवलाली देवलाली मिन्नो लाली एम आई डबल एन ओ डब्लू मिन्नो तो देवलाली मिन्नो एंड दिस इज स्पिशीज इसके अलावा डेकन बार्ब नीलगिरी मिस्टस नीलगिरी मिस्टस नीलगिरी नीलगिरी एम वाई एस एम वाई एस मिस्टस टीवस तो नीलगिरी मिस्टस भी एक, एक स्पीशीज है डेकंड रीजन में ये पाई जाती हैं एंड uh, बर्ड्स में आपका पिंक हेडेड डक द साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन पहले आपको याद है कि केवला देव नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा ही आते थे है ना देन बफी फिश आउल एंड मलाए आउल तो ये मलाए आउल बफी फ़िश आउल और इसके अलावा साइबेरियन क्रेन और पिंक हेडेड डक ये स्पीशीज़ हैं जिसको कि पॉसिबली एक्सटेंट की लिस्ट में रखा गया है ठीक है ना दैट इज द थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इसके अलावा कुछ और स्पीशीज़ हैं जैसे कि यहाँ पे स्पीशीज डेट है एक्सटिंक्ट पोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड माना गया है एक्सटिंक्ट पोस्ट 1500 की कैटेगरी में जो स्पीशीज है उसमें ग्रीन पी फाउल चीता हेरी नोज्ड ऑटर या बैंटंग ये स्पीशीज हैं याद रखिएगा कि चीता किस में है एक्सटिंक्ट पोस्ट 1500 नाम की स्पीशीज़ की कैटेगरी है उसमें इनको इंक्लूड किया गया है ठीक है ना एंड इसके अलावा मैं आपको और कुछ स्पीशीज बताता हूँ जिसमें एक इंडियन स्पीशीज़ है यहाँ पे देखो फोरबिया मयूरंथी याद रखेगा एक स्पीशीज है फोरबिया मयूर मयूर नाथानी मयूर नाथानी फोरबिया मयूर नाथानी दैट इज़ अ एंडेमिक टू पालघाट गैप तो पालघाट वाला जो गैप है ना पालघाट गा, पालघाट का जो दर्रा है वहां पे पाया जाता ही है ये ठीक है ना याद रखिएगा फोरबिया मयूर नाथानी जो है स्पेशज वहां पाई जाती है इसके अलावा अगर आप देखें कि एक लेग्यूम है वचेलिया बोली वचेलिया बोली नाम का एक लेग्यूम है वो भी इंडिया के सदरन इंडिया के, के, के को एंडेमिक एक लेग्यूम में ही आता है ठीक है ना एंड यहाँ पे आइलेक्स गार्डन गार्डन रियाना ठीक है ना तो आइलेक्स गार्डन रियाना जो है दैट इज अ स्पीशीज इन डेमिक टू द नीलगिरीज है ना अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी स्पीशीज क्या हमको याद करनी है तो वो याद नहीं करनी लेकिन मोटा मोटा एक बार पढ़ना तो जरूर है क्वेश्चन की गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा लेकिन ये इसकी गारंटी भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा है ना कई बार हमको लगता है कि यार क्वेश्चन पूछ तो नहीं रहा है दो साल नहीं पूछा है तीन साल ऐसा नहीं पूछा है चार साल नहीं पूछा यार देखो यूपीएससी है चार साल नहीं पूछा जरूरी थोड़ी है कि इस साल भी नहीं पूछेगा तो दे कैन आस्क दे कैन नॉट दे माइट नॉट आस्क तो दोनों पॉसिबिलिटी बट अपने को याद नहीं रहे भले लेकिन एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो कि अगर मोटा मोटा आसपास का भी याद रहेगा ना तो कुछ काम आपका बन जाएगा ठीक है ना देन एक गेको का स्पेशीज था जिसमें कि आपका देखो यराकूड डे दे गेको दैट वाज मूव्ड फ्रॉम लीस्ट कंसर्न टू द इंडेंजर्ड कैटेगरी एंड सतारा गेको ये जरूर याद रखना कि सतारा गेको को वलरेबल से क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया गया सतारा गेको ये ये स्पीशीज अगर आप याद रख सको तो याद रखना सतारा

इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस के लिए है एंड ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या करेगा बेसिकली तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट एम्स एट अलाउंग इन्वेस्टर्स टू अप्लाई फॉर वेरियस प्री प्री ऑपरेशन अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस इन द कंट्री तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, है जो कि एम करता है एट अलाइंग द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगा फॉर अप्लाइंग टू वेरियस प्री ऑपरेशन अप्रूवल तो जो ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले जो अलग अलग अप्रूवल्स लेने पड़ते ना उनके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो कि इन्वेस्टर्स को मदद करेगा ताकि वो सिंगल प्लेटफॉर्म में जाकर के सारे अप्रूवल ले लें ले और बिजनेस को स्टार्ट कर सकें तो दिस्टम इज बेसिकली एम डेट मेकिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है इंपॉर्टेंट है ना वैसे तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी रोक दी है वर्ल्ड बैंक ने अभी बट ये उसी के लिए है एंड दिस अलाउज द बेनिफिशियरी टू गेट सिग्निफिकेंट अप्रूवल्स ऑनलाइन तो यहाँ बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का क्या एम रहेगा कि जो अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन मिल जाया करेंगे और जो हसल है जो जो मतलब कहना चाहिए कि जो काफ़ी परेशानी आती है बिजनेसेस को भी इस चीज़ को लेकर के तो उससे वो दूर हो जाएंगे अगर ऑनलाइन अप्रूवल मिलने लगेगा तो उस जो जो एक्स्ट्रा परेशानी है जो एक्स्ट्रा भागदौड़ है जो फिजिकल वर्क है उससे थोड़ा उनको राहत मिल जाएगी एंड दैट इज़ अ बिग रिलीफ दैट इज़ अ बिग रिलीफ है ना दैट इज़ अ थिंग सो so, ये आपको याद रखना है ठीक है ना अभी करेंटली जो प्लेटफॉर्म है इट होस्ट द अप्रूवल्स अक्रॉस ऑफ एटीन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स एंड नाइन स्टेट डिपार्टमेंट तो अभी जो प्लेटफॉर्म है उसमें लगभग अठारह सेंट्रल डिपार्टमेंट और नौ स्टेट डिपार्टमेंट जो है नौ स्टेट जो है नौ स्टेट जो, जो है उनके लिए अप्रूवल मिल रहा है तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम तीसरी जो न्यूज है वो है नेशनल सैंपल सर्वे और एन ने रिलीज किया है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे तो ए क्या है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे फॉर टू थाउजेंड

रूरल एरियाज़ में वहीं पर अगर हम बात करें बॉटम 50 परसेंट पॉपुलेशन की तो बॉटम 50 परसेंट पॉपुलेशन के पास केवल 6.2 परसेंट एसेट्स हैं अर्बन एरियाज़ में एंड 10.2 परसेंट एसेट्स हैं रूरल एरियाज़ में यानी कि वेल्थ में अगर हम इनकोलिटी देखें तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ लेकिन दोनों में ही बहुत ज़्यादा है ठीक है ना कि टॉप टेन परसेंट जो है वो फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट वेल्थ होल्ड कर रहे हैं सोचो अर्बन एरियाज में वहीं पे बॉटम फिफ्टी परसेंट केवल सिक्स पॉइंट टू परसेंट होल्ड कर रहे हैं अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तीसरा अगर हम देखें बात करें तो वेल्थ इन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम इनक्वालिटी इनकम इनक्वालिटी कम है एज कम्पेयर टू वेल्थ इन इक्वालिटी तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इनकम इन इक्वाल्टी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा वेल्थ इनक्वालिटी है मतलब जो एक्यूमलेटेड इनकम है उसमें ज़्यादा है एक्यूमलेटेड इनकम वेल्थ क्या होता है वेल्थ आपकी एक्यूमुलेटेड इनकम होती है वेल्थ आपकी होती है एक्यूमलेटेड इनकम तो मतलब इनकम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन वेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आता है है ठीक ना इसके अलावा एक और चीज है कि इनकम टैक्स का डेटा देखने से फ, शोस कि टॉप टेन परसेंट जो टैक्स मेंसेंट तो टैक्स पेयर्स हैं वो केवल इनकम को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं वहीं उनके पास कितना है नेट फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट बहुत बड़ा एक डिफरेंस है एंड शेयर ऑफ बॉटम टेन परसेंट इन द टोटल इनकम हैज इंक्रीज एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जो शेयर था बॉटम टेन परसेंट का लास्ट जो टेन परसेंट थे उनका शेयर ज्यादा हुआ है इंक्रीज हुआ है एंड इसके अलावा इनकम इन इक्वालिटी लोअर देन द वेल्थ इन इक्वालिटी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है

be having very much administrative difficulties and the process will be very cumbersome. तो so इसमें administrative difficulties and cumbersome process रहेगी. This is what has been mentioned by the uh, center to the Supreme Court, है ना? And great uh, petition का answer दे तो उन्होंने ऐसा बताया है. And then, now let's see कि Supreme Court इस पे क्या निर्णय लेता है, क्या बोलता है? आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में आते हैं पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम की फॉर द फ्यूचर अब ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल दिया है आ, डिसीज सर्वेलेंस का स्टार्टिंग कैसे हुआ तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है ब्रिटिश डॉक्टर्स का एंड एपीडीमियोलॉजिस्ट का तो जॉन स्नो जॉन स्नो जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एपिडीमियोलॉजी बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं जॉन स्नो को ये जॉन स्नो वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला जॉन स्नो नहीं है ना ये भी याद रखना है कि वो आप वो ब्रिटिश वो वो भी ब्रिटिश ही था तो आप सोचे कि यार ऐसा तो नहीं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल तो ये जॉन स्नो इज ऑफन रेफर टू तो एज द फादर ऑफ मॉडर्न एपीडीमियोलॉजी याद रखेगा वो फादर ऑफ मॉडर्न एपीडीमियोलॉजी किसको बोलते हैं ये बोलते हैं जॉन स्नो को एंड विलियम फार विलियम फार इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट तो डिसीज सर्विलेंस के जो कंसेप्ट उनका फादर कौन है विलियम फार को कहा जाता है अब एपिडीमियोलॉजी होती क्या है एपीडीमियोलॉजी होती है बेसिकली आप की ही एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद द इंसिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड अदर फैक्टर्स मतलब कि जो कोई डिसीज अगर कोई डिसीज है तो डिसीज कैसे हुई इंसिडेंस उसका कहां हुई है ना उसका मतलब किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब किस किस पार्ट में कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है देन उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये सारी चीज़ें एपिडीमियोलॉजी में पढ़ते हैं तो इंसिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज़ बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है अंडर द डिसीज़ सर्विलेंस एपिडीमियोलॉजी अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है एपीडीमोलॉजी बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है मेडिकल का एंड इन्फेक्शस डिसीजेस को कंट्रोल करने में भी काम करता है कम्युनिकेबल को एज वेल एज ना नॉन नॉन कम्युनिकेबल की भी एपीडीमोलॉजी होने लगी है ठीक है ना और अगर आप टाइमली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं टाइमली डेटा अगर आप कलेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े हैवॉक्स जो हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने आप एग्जाम्पल दिया कि अगर कोविड का ही था तो कोविड में ही जैसे इंडिया के एपिडीमियोलॉजिस्ट जो थे वो सब हर हाँ डिस्ट्रिक्ट में एक जो थे वो लग गए अपने कामों में और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये सारी चीज़ें अच्छी की हैं और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हमको फ़ायदा भी एडवांटेज देखने को मिला इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो किसी भी डिसीज़ का फर्दर मतलब स्प्रेड है उसको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेटा आपको एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ये सब बिल्कुल पता हुआ ताकि आप उस रीजन को आइसोलेट कर सके आप उस रीजन से कांटेक्ट थोड़ा कम कर सके दूसरों का ताकि दूसरों का इंफेक्शन ना हो है ना तो ये सारी चीजें डिसीज सर्वेलेंस के माध्यम से ही के माध्यम से ही पता चल सकती हैं इसके बाद औ तरह कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका हो गया ये सब हो गई यहाँ पे तो काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम में लेकिन वहीं पर अगर आप इंडिया की बात करें या लोअर या मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा इंडिया में भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है इंडिया में फोकस कब बढ़ा है देखो इंडिया में फोकस बढ़ा एक्चुअली में जब ये दो हज़ार में जब सार्स वार्स ये सब फैल के बंद हो गया ना उसके बाद हमने आई स्टार्ट किया था इंडिया का हमने तभी स्टार्ट ही किया था ठीक है ना तो इतने सारे प्रोग्राम हो गए थे पहले तो हम तब तक हमने नहीं किया तो यहां पे देखो देखो यहां पे आ, इंडिया के सर्वेलेंस के बारे में लिखा है कि जब पहले दिल्ली में आउटब्रेक हुआ 1988 में कॉलरा का सूरत में प्लेग हुआ 1994 का तब भी है ना तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज धीरे धीरे इतने बड़े बड़े आउटब्रेक हुए ना तब इन्होंने स्टार्ट किया और इंडिया का नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस आया नाइनटीन में याद रखेगा नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेज कब आया नाइनटीन में

फोकस था जो आई आए, आई डी एस पी का वो क्या था कि गवर्नमेंट की फंडिंग को बढ़ाया जाए फॉर द डिसीज सर्वेलेंस लेबोरेटरी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाए ट्रेंड एपिडीम्योलॉजिस्ट लाए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंड एपिडीमियोलॉजिस्ट लाए जाए और दो हजार चार से लेकर के दो हजार उन्नीस तक हर साल लगभग जो आउटब्रेक्स उनको डिटेक्ट करने का काम इन्वेस्टिगेट करने का काम ये सब जो काम है वो आई डी एस पी ही कर रही है ठीक है ना आई डी एस पी अभी एक फुल फ्लजेड प्रोग्राम बन चुका है प्रेजेंट फुल फ्लेजेड प्रोग्राम एंड कोविड नाइनटीन के टाइम पर भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया ऑन द फील्ड ग्राउंड में काफी ज्यादा काम इन्होंने किया है अब ऑथर ने आप ये कहा है कि देखो जो ये आई डी एस पी या डिसीज सर्वेलेंस है ना इसमें एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि जैसे ज़्यादा फोकस नहीं है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है दूसरा जो है कि इसमें इंटर स्टेट जो है इंटर स्टेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी जैसे केरला महाराष्ट्र का काफ़ी बेहतरीन चल रहा है डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम केरला महाराष्ट्र के केस में है ना वहीं पर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की बिहार की तो वहाँ पर डिसीज सर्वेलेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है ना ही वहाँ का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम

सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम बोलते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं वीक है है ना डिजीज सर्वेलेंस के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम का मजबूत होना इन स्टेट्स में वो वीक है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो ऑथर ने कुल मिलाकर के यही कहा है कि जो ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है ये भी काफ़ी गलत है क्योंकि देखो अब डिसीज है जब तक इंटर स्टेट डिस्पैरिटी रहेगी तो एक रीजन तो इंपैक्टेड इंप, रहेगा ही उस डिसीज से अगर एक भी रीजन इम्पैक्टेड है इस, इस किसी भी

कुछ और हेल्थ पॉलिसी में भी चेंजेस की जरूरत है यह आप नोट कर लें जो हम अगले अगले जो पॉइंट बताने वाले ना वो नोट कर लेना क्या करने की जरूरत है पहला पॉइंट देखो गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज एंड डिसीज सर्विस नीड्स टू बी इंक्रीज तो डिसीज सर्विलेंस के लिए प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट की फंडिंग है रिसोर्सेज उनको बढ़ाने की जरूरत है दूसरा वर्कफोर्स इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बोथ इन रूरल एंड स एंड पब्लिक हेल्थ एक्शन तो जो वर्कफोर्स लगी है प्राइमरी हेल्थ केयर में चाहे वो रूरल की हो चाहे अर्बन की हो उनको डिसीज सर्वेलेंस में आप इंक्लूड करो उनके द्वारा मेंटेन करो डेटा मेंटेन करवाओ है ना ताकि आप इजिली एनालाइज कर पाओक है नाइन तीसरा कहा कि द लेबोरेटरी कैपेसिटी फॉर कोविड नाइन्टीन डेवलप्ड इन द लास्ट एटीन मंथ नीड टू बी प्लान एंड रीपर्पज्ड टू द टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट फॉर अदर पब्लिक हेल्थ कैजुअलिटीज़ तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे कोविड नाइन्टीन के लिए आपने अठारह महीनों में लेबोरेटरी कैपेसिटी बहुत अच्छी कर दी वैसे ही दूसरी डिसीजों के लिए भी आपको प्लान करने की जरूरत है ताकि बिल्कुल लेबोरेटरी कैपेसिटी आपकी एकदम टॉपो टॉप रहे है ना चौथा इन्होंने कहा है देखो लेबोरेटरी कैपेसिटी का बेनिफिट क्या है कि जो आपका डेटा जो है जो आपके सैंपल है वो कलेक्शन फास्ट होगा और सैंपल कलेक्शन के बाद डेटा जो आपका रिपोर्ट है वो जल्दी आएगी एंड रिपोर्ट की जो सच्चाई है यानी कि रिपोर्ट सही रहेगी ऐसी भी गारंटी रहती है फोर्थ जो इमर्जिंग आउटब्रेक्स है जूनोटिक डिसीजेस के वो हमने देखा निपा वायरस देखा केरला में एवियन फ्लू देखा दूसरे स्टेट्स में तो इससे एक चीज जो सामने आती हुई है कि वन हेल्थ अप्रोच को हमको आगे बढ़ाना चाहिए वन हेल्थ अप्रोच मतलब कि इंटरकनेक्ट

स्टेट एंडलोर टू डेवलप एक्शन प्लान अगरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल अगला आर्टिकल हैेंज नरेटिव दट इंडिया ने सबसे पहले तो बताया कि रिपोर्ट आई थी असस्मेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन असस्मेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द

हीट वेव्स की संख्या बढ़ती जा रही है हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और असेसमेंट ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस का कि इंडिया का जो टेम्परेचर राइज है वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इस सेंचुरी ख़त्म होते तक 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है जो इस बार का जो कहना चाहिए कि टेम्परेचर है और इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि इंडिया के में इतने सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं चाहे आप ड्रॉट के केसेस देखो चाहे आप साइक्लोन के केसेस देखो साइक्लोन अम्फान का हमने देखा इसके अलावा हमने देखा कि मॉनसून फ्लडिंग हमने देखी इसके अलावा हमने देखा कि जो साइक्लोन तोते तो, 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 तो था वो भी आया इस साइक्लोन यास आया है ना हैवियस्ट मानसून रेन हमको लास्ट पच्चीस सालों में देखने को मिली सेवन्थ कॉस्टलीस्ट पड़ी हमको एंड ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की अगर हम बात माने तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बहुत ज्यादा राइज कर रही है ड्यू टू द डैमेजिंग एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो डैमेजिंग एन्वायरमेंट के कारण जो हमारा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है न केवल ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो तक हम सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज भी बन जाएंगे है ना फिर केदारनाथ के फ्लड आप देख लो दो के है ना हेवी प्रसिपिटेशन के कारण हुआ दो का तक रे दो जो रेनफॉल है वो 6 परसेंट और बढ़ जाएगी टेम्परेचर वन पॉइंट सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाएगा टू मेक थिंग्स वर्स इंडिया लॉस्ट अराउंड टू थर्टी फाइव स्क्वायर किलोमीटर इन द कोस्टल इरोजन दो सौ पैंतीस स्क्वायर किलोमीटर तो हमने सिर्फ कोस्टल इरोजन में लूज कर दिया है और सी लेवल राइज का जो रिस्क है वो बढ़ता ही जा रहा है मिलियन पॉपुलेशन uh, जो है आउट ऑफ वन सेवेंटी कोस्टल एरियाज आर डिस्प्लेसड ऑलरेडी तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी ज्यादा इम्पैक्ट uh, है एक केस स्टडी में उन्होंने हथकरवाड़ी नाम का एक विलेज बताया बी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का जहाँ पे दस से पंद्रह फैमिली बची हैं जहाँ की पॉपुलेशन दो हज़ार हुआ करती थी हथकरवाड़ी की ठीक है ना अब ऑर्थर ने इसका रीजन था कि हमारी पॉलिसीज अच्छी है लेकिन प्रैक्टिस हमारी वीक है जैसे कि हमने बोला कि आई में हमने बोला कि हम कार्बन सिंक बनाएंगे टू टू थ्री उसका मिलियन टनस का है ना लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि दो तक हम कितनी राह में हैं तो ऑथर का ये कहना है कि दो तक हम उसका कहना चाहिए कि आधा ही बना पाएंगे या पूरा नहीं कर पाएंगे इसको इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे हाँ, हमने इंटरनेशनल सोलार अलायंस को लीड किया हमने ये सारी चीज़ें लीड की हैं लेकिन वहीं पर हमारा अभी भी अगर आप रीनल एनर्जी में जो शेयर है वो देखो तो कहीं ना कहीं वो अभी भी कम है ठीक है ना इसके अलावा हम अपने कार्बन सिंक वाली जो कैपेबिलिटी है उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसा ऑथर ने कहा है तो ऑथर ने कुल मिलाकर लास्ट में कहा है कि जो ग्लासगो का सी ओ है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए और इंडिया जो है वो एक लीडर की तरह सामने आ सकता है वर्ल्ड के लिए शो कर सकता है कि किस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज को रोके तो इस ये एक अपॉर्चुनिटी है और हमको इसको लूज़ नहीं करना चाहिए आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में हमको मतलब बात करनी है आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आ, इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है आ, वो अब प्लान बनाएंगे फॉर कटिंग द पॉल्यूशन तो इसके लिए जैसे मैंने स्टबल बर्निंग के लिए आपको बताया था पूसा डिकम्पोजर का यूज़ किया जा रहा है दिल्ली में पूसा डिकम्पोजर का यूज़ किया जा रहा है अब उत्तर प्रदेश ने कहा है कि वो भी डिकम्पोजर का यूज़ करेंगे है ना डिकम्पोजर का यूज़ करेंगे पॉल्यूशन को घटाने के लिए इसके अलावा जैसे एक और चीज़ है PNG स्विच टू पी एयर क्वालिटी पैनल ने यह कहा है कि पी एन जी यानी कि पाइप नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है यू हैव टू शिफ्ट टर्ड द पी तो एक ये भी सोल्यूशन लिख लेना ताकि आगे कभी आंसर लिखने के लिए आए तो आप पीएनजी मेंशन कर देना टैंक यहाँ पे याद रखेगा अर्जुन क्या है आर्मी uh, एंड इनकी कॉस्ट थी सौ अठारह इंडिजिनस अर्जुन टैंक्स लाए गए हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री करोड़ याद रखेगा डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री करोड़ में एम कर के वन ए मेन बैटल टैंक्स लेकर के आए हैं ठीक है ना एक सौ अठारह एंड ऑर्डर विद द हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री एच वी एफ आवाडी याद रखेगा हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है आबादी में उसको ये ऑर्डर मिला है ठीक है ना अर्जुन एम के वन ए टैंक्स का याद रखेगा अर्जुन एम के वन ए ट मिला है जो ये एम बी टी अर्जुन एम के एन टैक्स टैंक है ये डेवलप किया जा रहा है बाय द कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट सी वी आर डी ई किसने किया है कॉम्बैट व्हीकल लिख लो इसको कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इट इज डेवलपिंग दिस एम के वन ए टैंक एंड इसके साथ मिलकर के मदद किसने की है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डी आर डी ओ ने ठीक है ना तो डी आर डी ओ प्लस कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर के इसको एम के वन ए टैंक को डिजाइन किया है तो अर्जुन एम के वन ए टैंक याद रखिएगा इसका नाम ठीक है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूज फास्टर सिस्टम टू सेंड द रिकॉर्ड्स अब सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है फास्टर सिस्टम फास्टर का फुल फॉर्म क्या है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर क्या है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और ये क्या करेगा बेसिकली जैसे प्रेजेंट अथॉरिटीज हैं पहले क्या जैसे मान लो वारंट कटता है या सपोज रिलीज ऑर्डर कटता है अब रिलीज ऑर्डर कटता है तो उसको अगर मतलब ऑफलाइन मोड से भेज रहे हैं तो एक दिन बाद या दो दिन बाद आया सपोज कई बार ऐसा होता है दो दो दिन लग जाते हैं तो दो दिन तक जो जो प्रिजनर है वो एक्स्ट्रा रहना पड़ता है उसको बिकॉज ऑफ द फिजिकल मूवमेंट और ये मूवमेंट ट्रांसपोर्ट के कारण होता है तो इस चीज को इस परेशानी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया जिसमें वो आ, जो कॉपीज रहेंगी हार्ड कॉपीज की सर्टिफाइड कॉपीज जो रहेंगी उनको स्कैन करके बेसिकली कहना चाहिए कि ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू भेजा जाएगा ठीक है ना दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट द सिस्टम इज मेंट टू इंश्योर दैट द अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड टू वेट फॉर डेज ऑन डेज ऑन एंड बिहाइंड बार्स टू बी रिलीज ठीक है ना याद रखेगा एंड इट इज़ बेसिकली इंक्लूडिंग ऑर्डर्स रिलेटेड टू बेल और स्टे ऑफ अरेस्ट दे कैन बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू द प्रेजेंट अथॉरिटीज़ तो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन होगा टू विद द प्रजेंट अथॉरिटीज विद द कोर्ट्स ठीक है ना दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इंसाकॉक आपको पहले भी मैंने उसे बताया वो इंसाकॉक क्या है एक कंसोर्टियम है रिगार्डिंग द कोविड ठीक है ना इंडियन कंसोर्टियम रिगार्डिंग द कोविड जीनोम जीनोम एंड ये क्या करता है बेसिकली कि क्या चेंजेस आ रहे हैं जेनेटिक्स में इन द कोविड वायरस उसको ये पता करता है सार सी यू वायरस में क्या जीनोमिक चेंजेस आ रहे हैं और क्या उसके नए वेरियंट आ रहे हैं इसके बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे इंसाकॉक का कहना है कि कोई नया वेरियंट नहीं आ रहा है अभी एज ऑफ नाउ देर इज नो न्यू वेरियंट ऑफ दैट ठीक है ई यू प्लान ऑन वन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट फॉर ऑल तब ई यू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने एक चीज प्लान की है कि सारे मोबाइल सारे टैबलेट जिनका सब कुछ होगा एक ही मोबाइल चार्जर होगा सी uh, टाइप का एक पोर्ट रहेगा वही सबके लिए यूज किया जाएगा एप्पल ने इसका विरोध किया एप्पल ने कहा कि भैया ऐसे में तो फिर जो इनोवेटिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एप्पल आपको पता होगा कि लाइटनिंग केबल यूज़ करता है एप्पल अभी भी सी टाइप सी टाइप बहुत ज़्यादा डिवाइसिस में नहीं आए एप्पल के uh, वैसे वो लाइटनिंग केबल यूज करते हैं तो फॉर दैट रीजन यहां पे उन्होंने कहा है कि इनोवेटिवनेस खत्म हो जाएगी और यहीं पे ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि आप अब सब सी टाइप का एक बना दो यूनिवर्सल चार्जर चार्जर और सारे डिज उसी से चार्ज करने का तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है यूनिवर्सल चार्जर की बात तो ये किसने कही है यूरोपियन यूनियन ने कही है सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस